तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त और चामुंडा ने पी लिया था वज्रवान खड़ग तथा ऋष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। नवमो अध्याय निशुंभवध ध्यानम। ओम बंदूक कांचन निभम रुचिराक्ष मालां पाशांग कुशोच वरदां निजवाहु दंडैः बिभ्रान मेन्दुस्कलाभरणं त्रिनेत्रं मर्दाम्बिकेशमशिनं निशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरित महात्मयं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छः मह्यं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपणम्। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह के निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रों से सुशोभित